आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती नादरा बब्बर जी हैं, जो एक बहुत ही मशहूर अदाकारा और डायरेक्टर हैं और फिल्म और थिएटर से जुड़ी हुई हैं, और उनकी बेटी जूही जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं। और मुझे ख़ास खुशी है इनसे बात आज कॉन्वर्जेशन करने कर रही हूँ उनके साथ, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत साल पहले काम कर चुकी हूँ। मैं एज एन एक्ट्रेस इन थिएटर तो मैंने काम किया हुआ इनके साथ। उस वक्त जूही बहुत ही छोटी थी, बच्ची थी उस वक्त, हमारी रिहर्सल आकर देखती थी, तो इट इज़ अ स्पेशल ओकेजन फॉर मी। एंड चलिए, मेरा पहला सवाल, आप खुद एक मशहूर शख्सियत है लेकिन और भी मशहूर नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके पेरेंट्स श्री सज्जाद और श्रीमती रज़िया सज्जाद ज़हीर, जो कि फेमस राइटर्स थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट्स से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, तो उस माहौल का कितना इन्फ्लुएंस आप पर पड़ा एज अ प्लेराइट, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर? थैंक यू सुहेला, सुहेला जी, थैंक यू सो मच, आपने हम दोनों का तारुफ करा है। जूही के तारुफ में ये बात कहनी ज़रूरी है कि वो फैशन उन्होंने निफ्ट से किया ज़रूर है, बट शी इज़ नॉट रियली परस्यूड दैट करियर। शी इज़ बेसिकली इनिशियली अ थिएटर पर्सन, शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड शी डज चिल्ड्रंस थिएटर, उसके लिए ख़ास तौर से ये जानी जाती हैं और मशहूर हैं। खैर कोई बात नहीं, और मैं काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, 19 साल की थी तब जब शुरू किया था और अब 69 साल की हूँ, तो 51 साल हो गए करते करते, लेकिन अभी भी जी चाहता है कि करती जाऊँ और जब तक हूँ तब तक काम करूँ। सुहेला ने मेरे साथ काम किया है, उनकी तारीफ़ करने की कर रही हैं वो मेरी, बहुत अच्छी बात है। वो ख़ुद बहुत अच्छी फ़नकारा हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत सिंसियरिटी से अपना काम करती हैं। बाकी अब मैं यहाँ मौजूद हूँ और जिस तरह से वो फॉर्मेट आप लोग चाहते हैं कि आप सवाल पूछेंगे या आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बारे में बात करूँ, या हम मैं और जूही आपस में बात करें, या सुहेला हमसे कुछ पूछेंगी फिर हम बताएं, तो जिस तरह से आप चाहते हैं ये जारी रहे बातचीत, वो आप लोगों की फरमाइश पे होगा। हाँ, योर पेरेंट्स एंड मेरा पहला सवाल सुहेला ने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा, मेरे वालदैन के बारे में। मेरे वालिद साहब का नाम था कॉमरेड सज्जाद ज़हीर और मेरी अम्मी का नाम था बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर। दोनों लखनऊ के रहने वाले थे, मेरी अम्मी अजमेर की थी लेकिन फिर शादी होकर लखनऊ में। मेरे दादा चीफ जस्टिस थे लखनऊ के, यूपी के, उनका नाम वज़ीर हसन था। अंग्रेज़ों ने उनको सर का खिताब दिया था, उनके नाम पे एक सड़क बनी थी वज़ीर हसन रोड और एक बहुत महलनुमा घर बना था जिसका नाम था वज़ीर मंजिल, वो भी मेरे दादा के नाम पर था। लेकिन हम लोग उसके आउट हाउस में रहते थे क्योंकि हमारे अब्बा कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो ख़ानदान वालों ने एक तरह से काफ़ी रिजेक्ट किया हुआ था हम लोगों को, कुछ ख़ास हमें वहाँ से मिलता नहीं था। अम्मी नौकरी करती थी तो जो तनख्वाह उस ज़माने में, सोचिए टीचर्स की क्या तनख्वाह होगी, जो आज तो खैर ठीक ठाक सी तनख्वाह हो गई है टीचर्स की, लेकिन उस ज़माने में। और फिर 3 बच्चियाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से तो कुछ पैसे अब्बा को मिलते नहीं थे, तो बहुत मुश्किल माली हालात में परवरिश हुई हम लोगों की, लेकिन खुश बहुत थे। खुश इतने थे कि उसकी कोई इंतहा ही नहीं थी, शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशी के दिन थे ज़िंदगी के, वो बचपन से लेके बड़े होने तक के। खैर ऐसा नहीं कि अभी कोई गमज़दा ज़िंदगी गुजार रही हूँ, खुदा ना करे, अभी भी बहुत खुश हूँ लेकिन माँ बाप के साथ जो वक्त कटता है वो आप सब इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ, कि जो लाड़ और जो उस वक्त की जो दाल रोटी का भी जो लुत्फ़ है, दाल चावल का, वो बाद में बिरयानी और मुतंजन में भी वो लुत्फ़ नहीं आता जो माँ बाप के साथ गुजारे हुए खाने के वक्त, जो एक साथ बैठ के खाने का जो लुत्फ़ होता था। खैर वो दोनों बहुत अजीम अदीब थे
उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की नींव डाली थी, प्रगतिशील लेखक संघ की, और दोनों ने उसकी बुनियाद डाली। तो हमारे ही घर में उसकी सब मीटिंग्स होती थी, हम लोग उसकी सब तैयारी करते थे, दरियाँ बिछाओ, चाहे चादरें बिछाओ, चाहे सब अदीबों को पानी पिलाओ। लेकिन वो पूरे उसी माहौल में मैं पल के बड़ी हुई थी। मैंने अपना लिखना तो उनके सामने शुरू ही नहीं किया था, उनको नहीं इल्म था कि ये लिखती भी हैं। थोड़ा बहुत लिखती थी मगर ऐसा ही शर्मिंदा सी रहती थी कि क्या लिखा, बकवास सा। खैर, तो अम्मी अब्बा की ही देन है, उनकी खैरात में जो मिला है, जो परवरिश में जो मिला है, उसके सहारे हमने अपनी पहचान बनाई। हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, जो कुछ दिया है वो सज्जाद ज़हीर और रज़िया सज्जाद ज़हीर का दिया हुआ है, उनकी भीख है जो हमारी कोई शख्सियत बनी है। दूसरे हमारे गुरु, हमारे अलकाजी साहब, उनकी कुछ दी हुई चीज़ें थी, और एक ये, इन दोनों की दी हुई चीज़ें जो आज हमें ये इज्जत मिल रही है कि हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने और बात कर रहे हैं। जूही, आपसे सवाल करना चाहूँगी, आप फैमिली की थर्ड जनरेशन हैं, तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या बताया था नादिरा जी ने, आपने क्या उनका लिटरेचर पढ़ा है, और आपके जहन में मतलब कितना, आप कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे? आई रिमेंबर कॉलिंग यू सुहेला आंटी, आई विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। यू वेलकम टू। नहीं, आई जस्ट फील दैट एक बार जब हम प्रोफेशनल्स बन जाते हैं तो एक दूसरे प्रोफेशनल को इज्जत उसके प्रोफेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए, एंड नॉट रियली लाइक अ रिलेशन। सो आई थिंक आई रेफर टू मैम ऑल्सो एज मैम व्हेन आई एम ऑन अ डायस विथ हर। सो ऑफकोर्स सोहेला मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉर्म वेलकम एंड द काइंड वर्ड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली आना मुझे बहुत पसंद है, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, जबकि मैं अपने आप को हार्ट को और मुंबई आइट मानती हूँ, बट दिल्ली की है एक ख़ास जगह दिल में। मैं थर्ड जनरेशन हूँ डेफिनेटली, और मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, मतलब आई कांट से कि मैं आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, प्राउड तो एक बहुत गलत शब्द हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती हूँ। मेरे नाना नानी और मेरे मम्मी पापा दोनों टैलेंट और उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अजीम इंसान, चाहे मेरे पेरेंट्स हों चाहे मेरे नाना नानी हों। मैंने नाना नानी को जो भी जाना है वो मम्मी के थ्रू ही जाना है। नाना का इंतकाल तो मम्मी पापा की शादी से भी पहले हो गया था, और नानी ने मुझे देखा है, मैं करीब 3 साल की थी जब वो गुज़र गई। तो यादों में तो ऐसा सच नहीं है, वो क्या, जब आप किस्से बहुत बार सुनते हैं तब उनकी कुछ तस्वीरें बन जाती हैं, और ऐसा वो फिर वो कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या आपकी याद है या आप किस्से जो सुने हैं वो जोड़कर एक अपनी ही तस्वीर सी बना रहे हैं। सो वो कन्फ्यूजन मुझे काफ़ी है, बट ऐसा मैंने सुना है कि मैं नानी की बहुत ज़्यादा लाडली थी, क्योंकि मैं पहली मतलब ग्रैंड चाइल्ड थी, नवासी उनकी पहली थी। मम्मी ने हाल ही में एक नाटक किया है नानी की ज़िंदगी पर, जिसका नाम है मेरी माँ के हाथ। नानी के बारे में बहुत सुना था, मगर उस प्ले से जो पाया है, जो नानी को जान पाई हूँ, नेवर लाइक दैट बिफोर, और उसी नाटक से शायद नाना को भी, जबकि नाना उस प्ले में नहीं है, उस प्ले में जो कैरेक्टर हैं वो सिर्फ रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं और मम्मी ने ही वो रोल किया है, मगर नाना उस स्टेज पे ना होते हुए भी हैं, क्योंकि वो जिस तरह से नाटक लिखा है और जिस तरह से पूरा नरेशन है। और मैं थर्ड जनरेशन हूँ, मुझे इस बात का जो एहसास सबसे ज़्यादा हुआ है शायद उस प्ले को देखते हुए हुआ है। जब मैं वहाँ पृथ्वी थिएटर में बैठ के मैंने वो प्ले देखा,
मतलब जिस तरह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मैं इनकी नवासी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे खुशनसीब बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिनकी फैमिली में इतना ज़्यादा लिटरेचर है, इतना ज़्यादा अदब है, इतनी ज़्यादा समझ है हर भाषा के लिटरेचर के लिए, इज़्ज़त है. सो आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट टू बी हियर एंड टू बी एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर एंड टू सच काइंड ऑफ पीपल. अब जैसे मम्मी कह रही हैं कि जब छोटी थी तो इन्हीं का काम होता था गद्दे बिछाना प्रोग्रेसिव राइटर्स मीटिंग के लिए या पानी पिलाना, हम भी कहीं वैसे ही पले बड़े हैं. मैं और मेरे भाई, हमने शायद प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लिए ना किया हो और पानी ना पिलाया हो या गद्दे ना बिछाए हो, मगर हम वो बच्चे हैं जो स्कूल के बाद शायद नीचे गार्डन में खेलने नहीं जाते थे, हम मम्मी के रिहर्सल पे जाते थे. तो हमारे लिए सोहेला जी को देखना, अनुपम खेर साहब को रिहर्सल करते देखना या सतीश कौशिक को रिहर्सल करते देखना, या इस तरह के, मतलब इतने बड़े बड़े नाम, ऐसा लगता था कि ये तो हमारे लोग हैं. मगर व्हेन आई लुक एट द पब्लिक और लोग जैसे रिएक्ट करते हैं उन लोगों को, तब समझ आता है कि हम कितने ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं. जो लोग और जो चीज़ें, जो किताबें, जो नाम लोगों को लगता है कि उनसे कितने दूर हैं और एक ख्वाब हैं, हमारे लिए थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे लिए इतनी आसानी से हमें सब मिल गया. आपने बात छेड़ी अनुपम खेर की, फेमस एक्टर्स की, तो नादरा जी आपके साथ कईयों ने अपने थिएटर की शुरुआत की, जैसे अनुपम हैं, किरण खेर हैं, सुष्मिता मुखर्जी, राजा बुंदेला, नोन नेम्स, आई थिंक राज बब्बर जी ने भी आपके साथ थिएटर किया है. तो कभी आपको लगा इतने सालों के बाद कि शायद जो अक्नॉलेजमेंट आपको मिलनी चाहिए थी एज अ गुरु, एज अ ट्रेनर, वो शायद आपको नहीं मिली? आपको ऐसे कभी लगा है कि मैं गलत हूँ यहाँ? मैंने जब इन लोगों के साथ काम किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि मैं गुरु हूँ, और ना ये सोच के इन लोगों के साथ काम किया था कि ये मुझसे कुछ सीखने आए हैं. ये सब बड़े अच्छे एक्टर्स थे, उस वक्त भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे, और बड़ी खुशी होती थी. सतीश कौशिक सबसे क्लोज थे मुझसे, सबसे ज़्यादा मजाक, जो उनका ह्यूमर आप लोग फिल्मों में देखते हैं वो असल में उनका ह्यूमर उनकी ज़िंदगी का है, और वो किसी भी फिल्म में किसी सीरियस सिचुएशन में भी ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या मैं ऐसा एक जुमला मार दूं कि कुछ हो जाए. और जितने भी ये लोग हैं, जैसे अब अनुपम हैं, सतीश हैं, राजा बुंदेला हैं, सुष्मिता मुखर्जी हैं, और यंगर जनरेशन में ये सुशांत हैं, सुशांत सिंह हैं, सुशांत राजपूत हैं, ये सब अब इतराने पे आए तो बहुत इतरा सकते हैं कि भाई इनको तो हमने सिखाया है. कौन किसी को क्या सिखाता है, हम तो सभी को सिखाते हैं. उसमें से कितने सुशांत राजपूत और सुशांत सिंह बनते. आई टेक ट्वाइस अ ईयर एक वर्कशॉप करती हूँ, उसमें 30-30, 40-40 लोग आते हैं और सब सीखते हैं. उसमें से कितने लोग होते हैं जिनको इज्जत मिलती है और जो मशहूर हो जाते. सब अपनी किस्मत और अपनी मेहनत का होता है. उसमें किसी, मुझे नहीं लगता कि मेरे गुरुपन का इसमें कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन है. और ये मैं कोई मॉडेस्ट बन के या हम्बल बन के ये बात नहीं कह रही, मैं सच में ऐसा महसूस करती हूँ कि पीपल हु डिज़र्व टू बी गुड, टू बी फेमस, टू बी रिस्पेक्टेड, दे गेट देयर प्लेस. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जगह उन्हें ज़रूर मिलती है, और मिलनी चाहिए भी, मिलनी चाहिए. और वो पता चल जाता है जब 30-35 लोग आपसे सीख रहे होते हैं, उस वक्त ही आपको मालूम हो जाता है कि इसमें से ये हैं 5-7 जो खरे हैं, समझ में आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है. अच्छा, 1971 में आपने NSD से ग्रेजुएशन की गोल्ड मेडल के साथ, तो उस वक्त थिएटर का कैसा माहौल था, कितने मौके मिलते थे थिएटर और अच्छा थिएटर करने के? थिएटर करने के मौके
तब भी नहीं मिलते थे, अब भी नहीं मिलते। कोई ख़ास थिएटर के हालात बहुत अच्छे नहीं हुए। कोई ये कहे कि आज थिएटर के पैसों से आप अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, आप खाना पीना चला लेंगे, अपने घर के बच्चों की फ़ीस दे लेंगे, घर का किराया दे लेंगे, तो ये झूठ है। आज भी थिएटर के हालात शायद 10% बेटर हुए होंगे। हाँ, अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाता कि नादरा बब्बर तो मतलब कोई स्पॉन्सर या कोई ऐसे लोग होंगे तो शायद वो जब बुलाएंगे तो ऐसा होगा कि हाँ भाई हम कह सकेंगे कि भाई हम तो इस शो का इतना पैसा लेंगे। लेकिन कल हमारे साथ हमारे जो लाइट्स करते हैं अकबर खान साहब, वो मेरे साथ गाड़ी में आ रहे थे, वो इप्टा के साथ भी काम करते हैं और हमारे साथ भी। उन्होंने मुझे बताया कि इप्टा तो जब बॉम्बे से बाहर जाते हैं तो 3 लाख 3.5 लाख रुपए से शो से कम पैसा नहीं लेते। और मैं ऐसा समझती थी कि मेरा जो थिएटर ग्रुप है वो बड़ा नामी है, बड़ा मतलब इसको तो लोग बहुत पैसे देते हैं और हम लोग लाख रुपए मांगते हैं, बहुत डरते डरते लोग नहीं देते। अरे कौन आदरा जी, आप क्या लाख रुपए ये वो। अब वो मुझे बताने लगे इप्टा तो 3 लाख रुपए लेती है एक शो के। तो मेरा तो दिल बैठ गया। मैंने कहा बात अब की से मैं हनीफ से कहूँगी कि 5 लाख रुपए मांगे हर शो के, चाहे बाद में 5,000 पे शो करना पड़े। तो ऐसा है, मतलब असल में थिएटर को बिजनेस के नज़र से नहीं देखा जा सकता। थिएटर एक कमर्शियल वेंचर की तरह नहीं देखा जा सकता। देखा जा सकता है, मुग़ल आज़म बन सकती है, बनाया उन्होंने, 7,000 रुपया टिकट रखा है, हाउसफुल हो रहा है, यू नो लाखों लाखों रुपए एक एक शो के हो रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल, बट देन दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू थिएटर। एक अलग तरह का थिएटर है वो। जिस तरह का थिएटर मैंने सीखा है या पढ़ा है या मैं महसूस करती हूँ या मेरे जो ज़िंदगी के उसूल हैं, जैसे मैंने कभी भी थिएटर कॉमेडी के लिए या सेक्स कॉमेडीज़ या बेडरूम कॉमेडीज़ मैंने नहीं की हैं, कर सकती हूँ पर नहीं की हैं, नहीं की। पुरानी हीरोइंस फिल्म एक्ट्रेसेस को लेके बहुत मैसेजेस मुझे आते हैं कि हमें लेके प्ले कीजिए, कर सकती हूँ, लाखों रुपए कमा सकती हूँ, दुबई में शो, सिंगापुर में शोज हो सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। वो हमारी चॉइस है, वो हमारा फैसला है कि हम ये काम करते हैं और यही हमें आता है, इसके लिए हम खड़े हैं, ऐसा मैं समझती हूँ जी। अब क्वालिटी ऑफ थिएटर की बात करें तो उस वक्त अलकाजी साहब थे राइटर्स में अपने, विजय तेंदुलकर, महेश एल कुंचवार, ऐसे बड़े बड़े राइटर्स थे, और गिरीश कर्नाड। तो आपको क्वालिटी ऑफ टेक्निक एंड क्वालिटी ऑफ राइटिंग में कितना फ़र्क दिखता है फ्रॉम द 70s, मतलब 30-40 सालों में कितना फ़र्क आया है, और ये फ़र्क अच्छा है कि नहीं? फ़र्क तो बहुत आया है और अच्छा फ़र्क आया है। बहुत बहुत नौजवान लड़के लड़कियां थिएटर करने लगे, चाहे वो इस इरादे से ही करते हों कि चलो थोड़ा ये करके फिर फिल्मों में जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर इस इरादे से भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्यों ना करें। क्यों थिएटर के एक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने आप को शहीद करें थिएटर के लिए? वो फिल्मों में और टीवी में जाके पैसे क्यों ना कमाएं? बिल्कुल कमाएंगे और कमाना चाहिए, लेकिन फिर वापस थिएटर आके करना चाहिए। जैसे हम गांव से तरक्की करके शहर में जाके बड़ा घर ले लेते हैं, लेकिन होली दिवाली पे कभी गांव के घर में जाके दिया भी तो जला के आते हैं। उसी तरह थिएटर को बिल्कुल छोड़ देना ये गलत बात है। अब आपकी जो बात है कि भाई लोग उस वक्त का थिएटर अब आज का थिएटर, वक्त के साथ तब्दीलियां तो आती ही हैं, बिल्कुल आती हैं। अब जैसे जूही बैठी हैं यहाँ, जूही जूही, नहीं अपना उन्होंने एक अलग नीश बनाया है, बच्चों का काम। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं
ये हमारे आज के नौजवानों में मैंने इनको कभी नहीं कहा कि तुम ये रास्ता अपनाओ बेटा, ये बहुत ज़रूरी रास्ता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि यू कैच देम यंग, कि भाई छुटपन से उनके अंदर ये वैल्यूज़ डालिए कि ये एक लाइव कला है, ये एक जिंदा जावेद फन है। क्यों ये सबसे बड़ा आर्ट समझा जाता है? बिकॉज इट्स लाइव। लिटरेचर, म्यूजिक, एक्टिंग, स्क्रिप्ट सब कुछ होता है फिल्मों में भी, लेकिन ये इसलिए उससे बड़ा समझा जाता है क्योंकि ये जिंदा होता है। जैसे ही ये आता है, मैं एंट्री लेती हूँ स्टेज पे, एक जिंदा जावेद एक्टर आपके सामने खड़ा होता है। तो उस तरह की चीज है। आई हैव नॉट रियली फोर्स्ड एनीवन, यू नो, लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट जूही के, इनका जो बच्चों का काम है उसके बारे में आई वुड वेरी मच लाइक हर टू टॉक अबाउट अ लिटल। यस, वी लाइक यू टू से समथिंग अबाउट इट, क्योंकि बच्चों का जो थिएटर है, दिस इज़ अ वेरी रीसेंट ग्रोथ। पहले होता था व्हेन वी वर चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के प्लेस होते थे, बीच में बिल्कुल ब्लैंक्स आ गया। नाउ आई सी ग्रुप्स वर्किंग फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस थिएटर, जैसे एम एस सत्यू की बेटी है शैली सत्यू, उन्होंने बहुत सीरियसली चिल्ड्रंस थिएटर लिया है। तो ये बदलाव क्यों आया और इसके पीछे क्या विचारधारा है? मैं शुरू करूंगी एकजुट से ही। ये विचारधारा जो है कि कैच देम यंग, ये अगर मैंने सुनी है और समझी है तो मैम से ही समझी है। बिकॉज बम्बई आके थिएटर करना, और बहुत अच्छे से कर रही थी, साल हो गए थे आई थिंक 10, 12, 13 साल, बट अचानक उनको इन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ थिएटर करते रहना ज़रूरी नहीं है, थिएटर को और दूर तक पहुंचाना और जो मेरी नॉलेज है, जो मैं जानती हूं, उसे और जितने मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, इसलिए इन्होंने एकजुट में वर्कशॉप्स शुरू की, जो जिसमें वो लोगों को थिएटर के बारे में बताते थे, और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा 1991 में शायद, हाँ हनी भाई, 1991 में शायद पहली बार एकजुट ने वर्कशॉप की। अब तो खैर उसका बहुत ही एक फॉर्मल फॉर्मेट बन गया है कि साल में 2 बार होती है, 1 महीने की होती है। पहले काफ़ी लूज था, कभी साल में 1 बार हो गई, कभी किसी ने इनवाइट कर लिया तो हो गई। पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हुए एकजुट वर्कशॉप के नाम से। इन्हें ही करते करते कहीं मम्मी को लगा कि बच्चों के साथ भी काम करना उतना ही ज़रूरी है। फिर कहीं स्कूल्स के साथ थोड़ा बहुत काम किया, जब स्कूल्स इनवाइट करते थे कि हमारे साथ आके एनुअल डे करिए या वर्कशॉप करिए बच्चों के साथ, तो इन्होंने बहुत सीरियसली उस काम को भी लिया, काफ़ी स्कूल्स के साथ काम किया। इनफैक्ट दिल्ली में भी जो मम्मी ने एक तरह से पहला काम उस तरह से शुरू किया था, वो सरदार पटेल विद्यालय में मैं थिएटर सिखाती थी बच्चों को, तो बच्चों से उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वेयर इन थिएटर इज़ कंसर्न हमेशा से रहा था। और फिर एकजुट ने बच्चों की वर्कशॉप्स भी शुरू की, बहुत अच्छे से हो रही थी, साल में 1 बार होती थी गर्मियों की छुट्टियों में, करीब आई थिंक 10-12 साल मैम ने की और अलग अलग स्कूल्स में भी की। 2008 के आसपास मैंने और मम्मी ने कुछ बातचीत की और मुझे ऐसा लगा कि हमें इसे और बड़ा करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहिए और बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक एरिया में 1 बार 10 दिन की वर्कशॉप करते हैं, उसका असर ज़रूर होता है मगर उतना नहीं जितना होना चाहिए और उतना नहीं जितना हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी और है, हमारा टीम बड़ा है, हमारा पैशन है, हमारा विजन है, तो क्यों हम सिर्फ एक छोटी सी वर्कशॉप करके उसको वहीं पर ख़त्म करें। और मुझे पूरा सपोर्ट मिला मम्मी का, जो वर्कशॉप बच्चों की हम साल में 1 बार 10 दिन की करते थे एक जगह पे, उसको मैंने पहले साल में 2 वर्कशॉप्स की, तीसरे साल में मैंने 3 वर्कशॉप्स की, और फिर तीसरी वर्कशॉप के बाद आई मेड अ डायरेक्ट जंप 7 वर्कशॉप्स की, और अब हम उस स्टेज पर हैं जब हम
अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में हम ऑलमोस्ट 10-11 वर्कशॉप्स करते हैं और बम्बई में अलग अलग जगहों पे, मतलब लिटरली आर एंटायर टीम वर्क्स लाइक एन आर्मी. वी लीव द हाउस इन द मॉर्निंग एट से अबाउट 9 o'clock, वी रीच आर फर्स्ट वेन्यू. आई मीन यू हैव एन आइडिया ऑफ मुंबई, यू नो हाउ. तो हम सपोज हम पहली वर्कशॉप हमने अंधेरे में की 10 से 12, लोड हुए सब गाड़ी में. नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी 2 बजे अलग एरिया में है, से 2 to 4 वी डू दैट. फिर बैठे गाड़ी में, नेक्स्ट वर्कशॉप वी गो, वी डू 6:30 to 8:30 एट अनदर वेन्यू. सो वी आर प्रैक्टिकली डूइंग 3-3 वर्कशॉप्स इन अ डे वेयर वी आर केटरिंग टू मोर देन 45-50 चिल्ड्रन, मतलब इन वन वर्कशॉप. सो इन अ डे वी आर लिटरली वी आर वर्किंग, वी आर टचिंग आर क्रिएटिविटी विद चिल्ड्रन. कम से कम 100-150 बच्चे एक दिन में. एंड एवरी ईयर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, और वो इतना ज़रूरी है मैम, बिकॉज आई रियली रियली फील कि बच्चों में एकेडमिक बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, मगर सेल्फ एक्सप्रेशन भी उतना ही ज़रूरी है. और वो एक्सप्रेशन जो है वो हर बच्चे में नहीं होता है. हर बच्चा ब्रिलियंट नहीं होता है पढ़ाई में, हर बच्चा ब्रिलियंट नहीं होता है स्पोर्ट्स में. यू नीड टू, एज अ पेरेंट आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ आपके बच्चे में क्या है, वो कॉन्फिडेंस दे पाएँ. और मुझे लगता है एक ड्रामा वर्कशॉप से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि बच्चा अपने आप को समझे, बिकॉज इट्स अ ड्रामा वर्कशॉप. इट्स अ वर्कशॉप जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. उस एक्सप्रेशन, उस पूरी जर्नी में बच्चा लिटरली खेलते हुए, क्रिएट करते हुए, एक दूसरे के साथ वो समझ पाता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है. ही गेट्स एक्चुअली, आई हैव सीन पेरेंट्स कम अप एंड टेल मी, आई एम नॉट सेइंग दैट आफ्टर अ ड्रामा वर्कशॉप अ चाइल्ड गोज एंड नेसेसरली सेज के मम्मा मुझे कल को एक्टर बनना है, नो. बट आई हैव पेरेंट्स हु कम एंड से कि तुम्हारी वर्कशॉप करने के बाद हमारा बच्चा लिखने लगा, यू नो, माई चाइल्ड हैज टर्न्ड अ पोएट. और तुम्हारी वर्कशॉप के बाद माई चाइल्ड हैज स्टार्टेड गोइंग मोर फॉर डिबेट्स. और माई चाइल्ड हैज सडनली कम बैक एंड टोल्ड मी के मदर आई रियली इन्जॉय स्पोर्ट्स. इट्स दे स्टार्ट थिंकिंग, दे आर माइंड बॉडी, इट कनेक्ट्स मोर, यू नो, बिकॉज दे आर लेफ्ट इन दैट क्रिएटिव स्पेस टू एक्सप्लोर. इट्स जस्ट देम, यू नो, किताबों में नहीं. तो एक हमेशा एक प्रेशर में एक बच्चे रहते हैं. ये तो मैंने भी देखा है, जो थोड़ी बहुत क्लासेस मैंने बच्चों के साथ वर्कशॉप ली है, तो उन्हें हमेशा इनकरेज करती हूँ कि देखिए आप प्लेस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये कैरेक्टर आपने देखा, क्या समझा उसके बारे में, हाउ डू यू फील दिस कैरेक्टर, उससे लिखना आया. तो मैंने उन्हें बोला कि आप लिखें कि ये कैरेक्टर आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे. तो वो पूरी स्टोरीज, पूरे प्लेस लिखे हैं बच्चों ने, और हमने रीडिंग की है, बाकायदा उसकी प्रोडक्शन की है. प्रोडक्शन में भी कहा है कि ये बच्चा प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, आप कीजिए ऑन अ स्मॉल स्केल. उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस होता है ना, मैंने सुना, देखते मैम, मैं मुझे पता नहीं था मैं लिख सकता था. जो कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, और क्लासरूम में भी डिबेटिंग एंड जैसे आपने कहा एसे राइटिंग में, दे डूइंग वेरी वेल. तो बहुत ज़रूरी है. तो मैं बहुत खुश हूँ आपने ये मैंशन किया. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट आई हैव ओनली बीन डूइंग द वर्कशॉप्स. प्लेस मैंने डायरेक्ट किए हैं बच्चों के साथ, बट अगेन स्कूल्स के साथ जो वर्कशॉप्स हुए हैं उनमें. मगर जो हमारा अलग, वी हैव एकजुट यंग टैलेंट वर्कशॉप एंड वी हैव द एकजुट यंग टैलेंट ग्रुप. तो जो बच्चे हमारी वर्कशॉप करते हैं, फिर उनमें से बच्चे लेकर मैम हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड प्लेज विद चिल्ड्रन एंड रिटन प्लेज. मेरे एक और साथी बैठे हैं मिथिलेश. हाल ही में मिथिलेश ने भी बच्चों का एक नाटक डायरेक्ट किया है. सो बेसिकली इट्स लाइक बच्चे आते मेरे पास हैं, वर्कशॉप मेरे साथ करते हैं, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर और मेरे टीम के पास साथ जाते हैं. सो देन इट्स अ होल यू नो जर्नी फ्रॉम लर्निंग टू एक्चुअली द चाइल्ड कमिंग ऑन स्टेज एंड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. इट्स दैट होल एक्सपीरियंस द चाइल्ड गोज थ्रू. एब्सोल्युटली, दैट्स अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. नादरा जी, आपके पास वापस आती हूँ कि आपने बाहर जाके बहुत बहुत दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. आपने पीटर ब्रुक के साथ काम किया है, ग्रोटोवस्की के साथ काम किया है, तो उनकी टेक्निक और जो टेक्निक आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सीखी थी, क्या फ़र्क दिखा आपको?
मेरे गुरु थे श्री इब्राहिम अलकाजी, उनके आगे कोई नहीं ना उनके ऊपर कोई, चाहे वो ग्रोटोवस्की हुआ हो चाहे वो पीटर ब्रुक हो। उनके साथ काम किया है, तीन तीन चार चार छः छः महीने काम किया है। वो डायरेक्ट करते थे, मैं बैठी रहती थी, वो डायरेक्शन करते थे जैसे आम डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं। लेकिन जो बातें मैंने अपने उस्ताद से सीखी, जिस तरह से उन्होंने सिखाया, और हम लोगों में भी शायद उस वक्त ज़रा खाकसारी उस वक्त के स्टूडेंट्स में ज़्यादा होती थी कि हम अपने उस्ताद की बात को ज़रा सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। वैसे आज भी ऐसा नहीं है, आज भी मैं वर्कशॉप, अभी चल रही है मेरी वर्कशॉप, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स बदतमीज़ हैं या वो सुनते नहीं हैं या, लेकिन जो बात उनमें थी, जिस तरह से वो सिखा देते थे या जिस तरह से वो नाटक पढ़ाते थे, जो लिटरेचर की बात थी, अंग्रेज़ी नाटक पढ़ाते थे, ये डायरेक्ट करते थे, तो वो कुछ अलग ही चीज़ थी। और उसी का दिया हुआ आज तक हम उसको समेट रहे, उनका ही दिया हुआ है, उन्हीं का दिया, सब कुछ उनका। इन 40 सालों में बहुत टेक्निक्स और थीम्स बदले हैं दुनिया में और हिंदुस्तान में भी थिएटर की, तो एक फेमिनिस्ट विचारधारा ने भी जड़ पकड़ी, तो उसको लेकर आपके प्लेज में क्या क्या बदला, कौन से बदलाव आए हैं प्रोडक्शन में, एंड यू एज अ प्ले राइट व्हेन यू वर राइटिंग योर प्लेज? सुहेला, ऐसे जान के कि अब फेमिनिस्ट रुख आ गया है इसलिए मैंने बैठ के फेमिनिस्ट तरह की प्रोडक्शंस की, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने अपने नाटक खुद लिखने शुरू किए जब मुझे यह एहसास हुआ कि नाटकों की बड़ी कमी है। तो ये जो मैंने एक ऐसी स्टेज आ गई ज़िंदगी में जब मुझे ऐसा लगा कि नाटक लिखे नहीं जा रहे, इतने बुरे नाटक लिखते हैं कि ख़त्म हो जाता है और शुरू नहीं होता, और बहुत नाटक आते हैं मेरे पास, और उसको आप रोज़ एक नाटक पढ़ते हैं और रोज़ एक पूरी कयामत से गुज़र जाते हैं कि भैया इसमें नाटक है कहाँ। हार के मुझे लगा कि अपने नाटक खुद लिखो, देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। मैंने कभी लिखे नहीं थे और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन लिखा पहला नाटक दया शंकर की डायरी, जो एक स्ट्रगलर्स जो यूपी से बिहार से सब आ जाते हैं, पीले रंग की पैंट और लाल रंग की शर्ट, और वो सीधे मेरे पास आते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। तो इस तरह के बहुत लोग आते हैं, अब उनको कैसे समझाएं। तो एक ऐसे ही इंसान की कहानी उसमें लिखी, दया शंकर, जो यूपी के फर्रुखाबाद से आया। अब इत्तेफाक से वो नाटक इस कदर पसंद किया गया, और उसमें अभिनय करते हैं आशीष विद्यार्थी, एकल पात्र नाटक है सोलो एक्टर का, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने कि मेरे घर के लोग थोड़े से चिढ़ने लगे कि अरे ये आपका प्ले है, आपका डायरेक्शन है, और आशीष विद्यार्थी जी सारी तारीफ ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। अरे ले आए पानी आप, वो चलिए बैठी। तो खैर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुझे जो उस तारीफ और कॉन्फिडेंस से हौसला मिला, तब मैंने सीरियसली प्लेज लिखने शुरू किए, और फिर बहुत सारे प्लेज लिख दिए, बहुत सारे यानी 100-150 नहीं, 12-13। तो उसमें औरतों के ऊपर मैंने सबसे पहले एक प्ले लिखा जिसका नाम था सकूबाई, जो घरों में काम करती हैं औरतें बम्बई में, जिनके ऊपर बम्बई शहर की पूरी वर्किंग लेडीज़ की ज़िंदगी का दारोमदार है, उनकी ज़िंदगी पर लिखा। और उसके बाद लिखा मैंने जी जैसी आपकी मर्ज़ी, जो हम औरतों की एक तरह से परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, जी के बाद एक कॉमा लगेगा, जी जैसी आपकी मर्ज़ी, मतलब आप कुछ भी कहें फाइनली हम वही कहेंगे जो आप कहेंगे। और वो नाटक इस कदर चला, उसमें चार मोनोलॉग्स हैं, उसमें जूही जी करती हैं, अभी उसका एक सीन आप लोगों को
हम लोग आज दिखा रहे हैं, जो ही उसमें करेंगी परफॉर्म। बाकी मेरे चार एक्टर्स वहाँ बैठे हुए, मैं दरख्वास्त करूँगी आप लोग एक सेकेंड के लिए खड़े हो जाएं। हनीफ पटनी साहब हैं, उसके बाद लंबे वाले मानव पांडे जी हैं, फिर पीले कुर्ते में मिथिलेश जी हैं, जिनका अभी जिक्र किया था जूही ने, ये राइटर भी हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। और फिर उनके बाजू में खड़ी है नेहा शेख, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बहुत चारों कमिटेड थिएटर के वर्कर्स हैं। बैठिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो अभी हम लोग आपको कुछ सीन्स अपने नाटकों के जो मैंने लिखे वो आपको दिखाएंगे। आप मुझे ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये है कि बस करें। अच्छा, मेरे सवाल वो कहना चाह रहे हैं कि वो सीन्स वाला शुरू कर दीजिए। अच्छा, सीन्स वाला, ठीक है, ये कहना। लेकिन सहेला जी मुझे कह रही है, मुझे तो अभी बहुत कुछ पूछना था। कोई नहीं, सीन्स दिखाने। नहीं, आप बताएं, मुझे नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हमारे पास वक्त कितना है और हमें वो कितनी देर दिखाना है। अगर आप ये एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि हम तो बहुत बोल सकते हैं। आप जितना बोलती जाएंगी मैम उतना ज़्यादा सुन भी सकते हैं यहाँ पर, और सब सुनने के लिए ही आपको बैठे हुए हैं। लेकिन अभी आपको और सुनना है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी एक घंटे हैं मैम आपके पास, इस सेशन के बाद जो आपका ड्रामेटिक रीडिंग है जिंदगी के झरोखे से, हाँ, उसके बाद फिर दूसरा सेशन है, तो आप 2:30 तक है हमारे पास वक्त उनको। तो 3:30 आई मीन, हाँ नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम तो 4 बजे तक करेंगे। मैम उसके बाद फिर हम नहीं कर पाएंगे यहाँ कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक है, 4:15 तक कर देंगे। चलिए ठीक है, तो एक आध बात और कुछ करके देन वी विल वाइंड दिस अप और हम अपना परफॉर्मेंसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आपने एक प्ले लिखा था, शायद लिखा था कि परफॉर्म किया था, संध्या छाया लिखा, हाँ, था, परफॉर्म किया था, परफॉर्म किया था। अच्छा, वो एक बुजुर्ग महिला पर आधारित था, दैट कैरेक्टर वाज एन बुजुर्ग कपल। तो औरतों के लिए, बुजुर्ग औरतों के लिए बहुत कम किरदार लिखे जाते हैं थिएटर में भी, फिल्मों में, जबकि आप मेल कैरेक्टर्स देखेंगे वो 80 साल के भी होंगे, दे विल हैव अ मीटी रोल द कैरेक्टर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हज़ारों सालों से पूरी दुनिया में औरतों की अहमियत वैसे भी कम रही है, ये बात हम सब जानते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, काम में हो, किचन में हो, पलंग पे हो। सोते वक्त घर की रोशनी हमेशा औरत बन करती है, ऐसा क्यों, ये मैं पूछ रही हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि औरत जाके पलंग पे पहले लेट जाए, पंखा चला ले, एसी चला ले और सो जाए, और मियाँ से कहे सर आप तुम किचन में सब देख के साफ करके आ जाओ और लाइट तुम बंद कर देना भाई। ऐसा आज तक नहीं हुआ, हमेशा इसका उल्टा होता है, आखिर में किचन औरत ही बंद करती है। खैर, लो ये सब चीज़ें जो हैं, जो हज़ारों सालों से हमारे मुल्क में होती आई, ये पूरी दुनिया में है, शायद अब वेस्ट में चेंज हो गई हैं चीज़ें, औरतों को अहमियत बराबर के मिलने लगी, लेकिन वैसे मिलती नहीं है और हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलती। मैं जूही से पूछना चाहूँगी ये सवाल, यू आर न्यू जनरेशन, यू आर अ यंग पर्सन, तो आपकी जनरेशन में इसके बारे में क्या, मतलब क्या सवाल है, क्या विचार है? मेरे शौहर साहब अनूप सोनी जी, वो ज़रा से अलग हैं, और क्योंकि वो भी थिएटर से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं अनूप जी, थिएटर उन्होंने काफ़ी कम किया है, आते ही वो टेलीविज़न करने लगे थे और आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं टेलीविज़न पे। मेरी खुशनसीबी है कि हमारे बीच थोड़ा सब बैलेंस है, मतलब 100% हमेशा लाइट मैं बंद नहीं करती हूँ, थोड़ा सा कम 20-30% अनूप जी भी करते हैं, तो हमारा बैलेंस इज़ फेयरली ओके आई थिंक। और मैं जैसे मैंने कहा, आई थिंक माई लाइफ बाई गॉड्स ग्रेस इज़
काफ़ी ब्लेस्ड है, क्योंकि अनूप जी काफ़ी इंकरेजिंग भी हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं। मेरा बेटा जब से पैदा हुआ है, माशाल्लाह अब 5 साल का हो गया है, मैंने कोई नया नाटक नहीं किया। बीच में एक मैम ने लिखा था, मगर फिर उसके भी शोज़ बहुत कम हुए, एंड वो मतलब एक तरह से समझिए किया ही नहीं। जो मेरे मतलब 2012 से पहले जो मैंने नाटक किए थे, अगर उसके रिपीट शोज़ होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, मगर अब पिछले 5-6 सालों से मैंने कोई नया नाटक नहीं किया। क्योंकि एक नया नाटक करने का मतलब है मिनिमम 1 मंथ रिहर्सल, 1 मंथ 2 मंथ रिहर्सल, और रिहर्सल व्हेन यू से 3 to 4 hours, और शो ओपन होने से पहले तो दिन दिन भर रिहर्सल्स। तो मेरी चॉइस थी कि मैं इतना वक्त अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती थी, और मेरी इस बात को मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। मगर उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि जैसे ही ईमान हमारा बेटा 5 साल के आसपास पहुंचेगा, तुम फिर से काम करोगी और ज़रूर करना। और जैसे कि ना, जैसे अनूप जी की ना, जैसे कि ऊपर वाले से कुछ बातचीत हुई थी, अजीब सी चीज़ हुई, मतलब 5 साल का ईमान होने को ही था और मेरे पास काम बाहर से आने लगा। एंड आई वाज लाइक, ये तो मतलब कि अजीब सी ट्यूनिंग की आपने, मतलब कहाँ से आ गया ये सब काम अचानक। जैसे चार साल तक आता था चला जाता था, मगर सडनली जो कहते हैं ना, अच्छा काम आने लगा फिर से, या फिर से सडनली लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, अरे जूही भी तो है। सो आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। एंड और क्योंकि इतने साल उतना काम नहीं किया था, अपने एटमॉस्फेयर में काम करना, एकजुट थिएटर ग्रुप मेरा अपना ग्रुप है, मेरी माँ चलाती हैं। आई ऑलवेज से, मुझसे जब पूछता है कोई आप क्या करती हैं, आई से आई वर्क फॉर माई मदर। तो मैं एकजुट थिएटर ग्रुप के लिए काम करती हूँ, और उसका फ़ायदा ये होता था कि भाई रिहर्सल मेरे टाइम से रख लेते हैं, मेरे को एक्टर्स मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा दीदी को जाना है, अच्छा ईमान को सुलाना है, या खाना है, या मेड नहीं है आज, शी हैज़ टू गो, तो सब मेरे हिसाब से सब हो जाता था। मगर बाहर जाके काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मेरा काम तो एक्टिंग ही है या थिएटर है, मतलब आप किसी और को फ़ोन करके नहीं कह सकते भाई आई एम सॉरी मैं जा रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे को सुलाना है। वो कहेंगे फिर सुलाते रहो, काम पर मत आओ, राइट? नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू। बट घर के एटमॉस्फेयर से निकल के काम कर पाना औरतों के लिए, मुझे लगता है वो तभी पॉसिबल होता है अगर उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट कर पाए तो, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको आपके घर में सपोर्ट नहीं है तो, ये बात सुनने में अच्छी लगे बुरी लगे मगर ये है, अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड इट्स। एंड अगर आपके पास बच्चा है और अगर आपके माँ बाप पास रहते हैं, तो अगर नानी सपोर्ट ना करें तो आप बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे दोनों का सपोर्ट है, मेरे शौहर साहब का भी है और नानी का भी है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि नानी हाउस, जैसे मेरा बेटा कहता है नानी हाउस मेरे घर से 5 मिनट दूर है, तो मेरे ज़िंदगी का हर काम आसान हो जाता है कि अगर पापा नहीं संभाल रहे उसके तो नानी जिंदाबाद, और नानी जिंदाबाद अगर नहीं हो पा रही है तो पूरा एकजुट थिएटर ग्रुप जो है वो उसके मामा दीदी चाचा भाई सब उसमें है, कोई ना कोई वहाँ होता है मेरे बेटे को संभालने के लिए। बहुत खुशी भी होती है, कहीं ना कहीं दुख भी होता है, बिकॉज अनूप जी को अगर काम पे जाना है वो जा सकते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि ईमान को कौन देखेगा और घर को कौन देखेगा, पर अगर मुझे जाना है मुझे सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो ये है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे दिस विल ऑल्सो गेट बेटर। यस, यू आर लकी, दैट्स ट्रू। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमें वी ऑल वॉन्ट टू सी द सीन फ्रॉम द प्ले, आखिरी सवाल ये है, आज हम सेंसरशिप की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत बातें करते हैं, बहुत चर्चा हो रही है, तो एज अ प्ले राइट आपको क्या लगता है कि थिएटर में ज़्यादा फ्रीडम, आज की बात कर रही हूँ, ज़्यादा फ्रीडम है एक्सप्रेस करने के लिए कि फिल्म में, जहाँ डर ना लगे कि सेंसरशिप हो जाएगी या कोई आकर स्क्रीन को तहस नहस ना कर दे या स्टेज को डिस्टर्ब ना कर दे, आपको क्या लगता है? फिल्म में तो काफ़ी आज़ादी है, थिएटर में थोड़ी कम होती है, क्योंकि थिएटर एक ज़िंदा चीज़ है, लाइव आर्ट है, वो सामने पर्दे के पीछे जाके, फिल्म में तो एक झिन्ना सा पर्दा होता है, उसके पीछे जाके हीरोइन पूरे कपड़े उतार के चादर लपेट के बाहर आ जाती है, पर थिएटर पे तो वो नहीं कर सकते।
कि हीरोइन जो है वो थिएटर में एक चादर के पीछे जाके पूरे कपड़े उतार दे, क्योंकि बैक स्टेज भी लोग होते हैं, वो भी देखते रहते हैं साइड से कि ये क्या हो रहा है भाई। तो ये सब चीज़ें मुश्किल है, थिएटर में मुश्किल होता है, फिल्म में ज़्यादा आज़ादी होती है। बेडरूम सीन्स बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें कर सकते हैं, जबकि थिएटर में तो बेडरूम सीन्स को हम लोग नहीं कर सकते, दिखा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। बट आई थिंक इट्स नॉट जस्ट बेडरूम सीन्स और एक्सप्रेशन एज सच मैम, मुझे ऐसा लगता है इवन बात, अब आप याद करिए, हमने पेंसिल से ब्रश तक नाम का एक नाटक किया था एम एफ हुसैन साहब की ज़िंदगी पर, और जिस तरह की हमें सोहेला मैम धमकियाँ आती थीं, हमें कितनी दिक्कत हुई, हमें वो नाटक ऑलमोस्ट बंद करना पड़ा क्योंकि हुसैन साहब को उस वक्त निकाला मिला हुआ था, वो वहाँ बैठे थे क्योंकि उनको इतने मतलब जान पे उनके लोग बन पीछे पड़े हुए थे, और हमारा शो पृथ्वी थिएटर में हो रहा है हमारे लिटरली, क्योंकि मैम ने कहा मैं कैंसिल तो करूँगी नहीं अपना शो बिल्कुल नहीं कैंसिल करूँगी, बिकॉज आई बिलीव इन हुसैन साहब एंड आर्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस आदमी ने इस मुल्क को, इस मुल्क के आर्ट को पूरी दुनिया में पहुँचाया है, और हम उनकी इज्जत करते हैं और ये हमारी ट्रिब्यूट है, और हम बंद नहीं करेंगे, जिसका जो ख्याल है उनको, अगर हुसैन साहब की आइडियोलॉजी उनकी पेंटिंग से प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मगर और हम एंड रियली ऑल रिस्पेक्ट्स टू पृथ्वी थिएटर, टू कुणाल कपूर जी, उस वक्त संजना भी थी, ऑल ऑफ देम मतलब सॉलिड सपोर्ट थिएटर के लिए और हुसैन साहब के लिए, और जो बातें हम उसमें कह रहे थे, जिस तरह की बातें हुसैन साहब सोचते थे, फील करते थे अपनी आर्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर या इंसानियत को लेकर या रिश्तों को लेकर, सब हमने उसमें खुल के की हैं, और हमने वो शो किया है, बहुत डर डर के किया है, हम स्टेज पर खड़े और हमें पता है कि ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमको इस वक्त अटैक कर सकते हैं, कुछ भी अटैक कर सकते हैं ना, चाहे वो आपको उठा के जूता मार दें, पृथ्वी थिएटर में तो ये हम परफॉर्म करें और ऑडियंस यहाँ है, चाहे वो जूता उठा के मारें या वो एसिड फेंकें, वो कुछ भी कर सकते थे, यू नो, सो वी सेंसरशिप, आई मीन देयर इज नो सिक्योरिटी एंड देयर इज नो सेफ्टी इन थिएटर, बिकॉज हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो हिम्मत ज़्यादा चाहिए मुझे लगता है थिएटर में आकर अपनी बात करने की। सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह कहा आपने, मेरा मतलब यही था। तो थैंक यू, आई थिंक अब यहाँ हम ख़त्म करेंगे क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आपका नाटक, छोटा सा पीस जो आप डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं। पीसेस, वी आर एक्चुअली जो मैम ने नाटक लिखे हैं उन सब नाटकों में से हम छोटे छोटे बिट्स बनाकर जी ने, तो हम नॉट रियली परफॉर्म, ड्रामेटिक रीडिंग जैसा कुछ करेंगे। तो आई थिंक यू वुड नीड द स्टेज एंड मुझे बहुत खुशी हुई इस इंटरव्यू करके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कि बरसों के बाद तुम्हारी हम लोग मिले हैं और आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे इतना अच्छा, छोटी सी बच्ची थी आकर बैठ जाती थी और रिहर्सल देखती थी, इतना सा बॉब कट और फ्रेंच कट था मुझे याद है, घूमती फिरती रहती थी, डायलॉग सुनती थी, वही सब रिहर्सल हैं जो आज की वजह से आज मैं हूं जो हूं, थैंक यू, जो भी थोड़ी सी हूं इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दोज रिहर्सल्स। यस, आई एम श्योर, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।